नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपके साथ जुड़ चुका हूँ डे टू में नए कंसेप्ट के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने फर्स्ट लेक्चर को इतना प्यार दिखाया। करीब करीब 2000 से ज्यादा बच्चों ने उस लेक्चर को देखा है, डे वन FY बीकॉम, और आपके लिए ही ये सारी मेहनत चल रही है दोस्तों। तो आज के लेक्चर को भी एंड तक जरूर देखिएगा। आज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें पता चलेगी जो आपको वैसे पहले ही पता है, बट उसका रीजन आज पता चलेगा कि इसको ये कहते हैं, जैसे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के बारे में भी हुआ होगा। दोस्तों आज हम कुछ बेसिक कंसेप्ट चैप्टर वन के एक पार्ट को कंप्लीट कर देंगे मेजोरिटी हद तक, राइट? तो ध्यान से सुनिएगा, पूरा कंसंट्रेशन आपका लेक्चर पे चाहिए। आज मैं सबसे पहली कंसेप्ट आपके साथ जो आपको बताने जा रहा हूं वो है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। कौन सी कंसेप्ट मालिक? एवरीबॉडी पे अटेंशन, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। कभी इस कंसेप्ट का नाम सुना है क्या? बहुत बच्चों ने मे भी इस कंसेप्ट का नाम सुना होगा मालिक, लेकिन ना अभी रिकॉल नहीं हो रहा है सर इसे क्या कहते हैं, या आप लोगों ने इस कंसेप्ट से लेके बहुत सारी बातों को ऑलरेडी 12th में एंट्री से रिलेटेड आप ना पोस्टिंग कर चुके हो, इस कंसेप्ट को इनडायरेक्टली समझ चुके हो। अच्छा पहले एग्जाम्पल दे देता हूं, पे अटेंशन। ये इमेज सुन के क्या आपके कान अचानक से बजने लगे क्या, आवाज आने लगे क्या, मिराकल 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 याद आ रहा है कुछ? सर क्या हो रहा है कि एक कंजर्वेटिज्म का पहले ना प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं कि जो बिजनेसमैन है वो एंटीसिपेटेड प्रॉफिट को कभी भी बुक नहीं करेगा, लेकिन एंटीसिपेटेड लॉसेस को हमेशा बुक कर देगा। आई रिपीट कि बिजनेसमैन कभी भी एंटीसिपेटेड प्रॉफिट को, अंदाजा ये होने वाला है, प्रॉफिट को बुक नहीं कर सकता, लेकिन ना लॉसेस को जरूर बुक कर सकता है। क्या हुआ, अचानक से मैंने देखा कि 2000 बच्चों ने FY बीकॉम का लेक्चर देखा, 26,500-26,600 सब्सक्राइबर है अपने, और मैंने ना कैलकुलेटर लिया, हर बच्चा मेरा कोर्स खरीदेगा 26,000 के 26,000 × 10,000 में हो गया करोड़पति। कल जाके वो बाबूराव जैसा ने बोला, भाई चलो ये खरीद लेंगे वो खरीद लेंगे ये सा वैसा, बहुत बड़ी बड़ी बात है। और ना बस ऐसे हालत थे कुछ, जस्ट इमेजिन ना 26,600 × 10,000 कैलकुलेटर पे करो 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 करो, कुछ तो 26-27 करोड़ में अमाउंट जाती है, इतना कमा लिया मैंने अभी अभी। आप बोले सर क्या मजाक कर रहे हो, क्या मैं ऐसे समझ सकता हूं क्या कि ये सारे बच्चे जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं तो मेरा कोर्स खरीदेंगे ही और मुझे फीस पेड ही करेंगे, भले देख तो 2,500-3,000 बच्चे डेली देख रहे हैं, अभी भी लाइव बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, तो एज अ बिजनेसमैन मुझे जो लगता है कि मेरा इनकम आ सकता है वो मैं कभी भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता। हाँ लेकिन, और ऐसे अगर बिजनेस किया ना तो देखो रियल बिजनेसमैन कुछ ऐसे खुन्नस देंगे, बोले बोले मैं पागल, राइट? तो एक्चुअल बिजनेसमैन के अगर आपको इधर जाना है तो आपको एक कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है मालिक, कि कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या कहती है, कैसे ये बड़े लोग इस कंसेप्ट को लेके आगे बढ़ते हैं और कैसे वो बिजनेस करते हैं। आप लोगों को दो बात बताता हूं जो ऑलरेडी आपने 12th में की थी और डेफिनेटली सबने किया रहेगा, उसके बाद में कंसिस्टेंसी कंसेप्ट पे भी जाने वाला हूं, जो आपको बहुत ही बोलते ना आज का दिन आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि ये वाला दिन आप अगर इंटरव्यू जॉब इंटरव्यू के लिए भी गए और आपको सवाल पूछा तो आपको सारे आंसर आने वाले हैं। आप लोगों ने क्या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ये इसका प्रोविजन बनाया था कि नहीं? RDD याद आ रहा है, न्यू RDD ओल्ड RDD इसमें मत जाओ, लेकिन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया था, डेट बनाया था। इसका मतलब क्या कि मैंने उधार पे कोई चीज दी, आज तो बेच दी है, उसका सपोज मुझे 10,00,000 रुपया आने वाला था, लेकिन आज मैं प्रोविजन बना रहा हूं कि मेरे पास्ट एक्सपीरियंस है कि हर साल 5% अमाउंट आता ही नहीं, देते नहीं लोग, कुछ जेन्युइन रीजन होते हैं, कुछ भाग जाते हैं, तो क्या मैं इस लॉस का प्रोविजन आज बुक कर रहा हूं क्या? ये क्या हो गया, एंटीसिपेटेड लॉस। मालिक ध्यान में रखो ये किया है आपने, और ये कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के हिसाब से किया था। देखो अभी तक मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, एक भी लाइन नहीं पढ़ी, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप ऑलरेडी वो चीज कर चुके हो। आप लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक के बारे में एक एडजस्टमेंट पे पढ़ा था, आप 12th में याद करो, ध्यान दो। मैं कुछ बताना चाहता हूं ये सिखाने से पहले, कि एक स्टॉक था जिसका मार्केट वैल्यू दिया है 20,000 रुपीज, कौन सा वैल्यू, मार्केट वैल्यू 20,000 रुपीज है, और जिसका कॉस्ट है 18,000, तो आप लोग कौन से अमाउंट लेते थे, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज व्हाट लोअर, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू एट विच एवर इज लोअर, याद आ रहा है क्या? मतलब 18,000 पे आप बुक कर सकते करते थे एज पर विच कंसेप्ट मालिक, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। देखो ये कंसेप्ट थी, आप लोग असेट में से, और एक चीज बोल रहा हूं जो आपको आ रही, कुछ नया नहीं बता रहा हूं मैं, आप बताओ मुझे क्या आप बैलेंस शीट में बिल्डिंग हो गया उसके बाद फर्नीचर हो गया उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस करते हो, यस और नो?
हर साल माइनस करते हो, यस और नो? मुझे बताओ क्या ये कैश एक्सपेंडिचर या नॉन कैश एक्सपेंडिचर है? बहुत बड़ा सवाल। और आपको पता होना चाहिए मालिक है इथ गेल तो इथ पोस्ट करा, इथुन ते माइनस करा तिथ पोस्ट करा, ऐसे रट्टो फाइट नहीं चलेगा। काबिल बनना है, कामयाबी अपने आप पीछे आएगी मालिक। समझ समझ के करो, मुझे आंसर दो और फिर मैं कंसेप्ट पे जाऊंगा। आप लोगों ने ये चीज की थी कि नहीं की थी? हाँ सर। अब मेरे को बताओ, वेजेस पेड किया तो ट्रेडिंग में डाला था, सैलरी पेड किया पीएनएल में गया, रेंट पेड किया पीएनएल में गया, डेप्रिसिएशन किसको पेड किया था? सर फिर कैसे है? वो तो पेड ही नहीं किया, दैट इज नॉन कैश एक्सपेंडिचर। अंडरलाइन या लिख लो कहीं पे नोटबुक में साइड में, डेप्रिसिएशन कौन सा एक्सपेंडिचर है? नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। बट वो माइनस क्यों किया गया, कौन से प्रिंसिपल के तहत, कौन से कंसेप्ट के तहत? अगर इंटरव्यू में पूछा तो एक नाम तो बोल देना, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। अब तक मैं पढ़ाने वाला हूं। क्या आप लोगों ने ट्वेल्थ में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया था कि नहीं बनाया था? बनाया था सर। क्या आप लोगों ने डिप्रिसिएशन चार्ज किया था कि नहीं किया था? किया था सर। क्या आप लोगों ने कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पे अमाउंट लिखा था कि नहीं लिखा था? लिखा था सर। लेकिन ये कौन सी कंसेप्ट के तहत मालिक? कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, जो हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन फॉलो करता है, और आपको आज वो पढ़नी है। पढ़ा होगा और सारी बातें, आज के बाद कंजर्वेटिज्म नाम आया तो आप अपने बहुत सारे दोस्तों से आगे रहोगे। और ये चीज 11वीं में भी हो चुकी थी, और आपको अगर अभी समझ रहा है इसका मतलब देखो, अगर पढ़ाना तो समझेगा तो सबको समझ में आ रहा है। चलो लेट्स सी एवरीबॉडी, पे अटेंशन। द फर्स्ट कन्वेंशन इज दैट एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। तो आपने एज अ बिजनेसमैन सारे प्रॉफिट को पहले बुक नहीं करना है। क्या मैं आज ऐसे कर सकता हूं क्या कि 2,500-3,000 बच्चे FY बीकॉम अकाउंट्स का लेक्चर देख रहे हैं और मेरा XYZ फीस है, कैलकुलेटर उठाया मल्टीप्लाई बाय दिस, अच्छा भाई इतने लाख इतने करोड़ रुपए आ रहे, चलो मैं ना मैं नए नए कुछ तो प्रोजेक्ट के बारे में सोचने लगता हूं, क्या वो सही है क्या? नहीं सर, क्योंकि मैं एंटिसिपेट एज पर कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट मैं प्रॉफिट को एस्टिमेट कर सकता क्या? नहीं। लेकिन मेरे पास 100 बच्चे आए जिन्होंने एडमिशन का फॉर्म भरा, जो मेरे रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं, क्या मैं डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन बना सकता हूं क्या? आंसर इज यस, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस से एक बात तो पता है कि सर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से कुछ बच्चे अगर फीस नहीं दे पाए, 2-3 बच्चे, तो भी मेरा सीधा सीधा 20-25,000 का नुकसान है। तो लॉस के लिए मैं क्या कर सकता हूं? प्रोविजन कर सकता हूं। यह समझ गया, आगे बढ़ते हैं। इट इंडिकेट ओके दिस इंडिकेट थिंक अबाउट द थिंक अबाउट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल प्रोबेबल लॉस एंड एक्सपेंसेस बट डू नॉट क्रेडिट एनी प्रोबेबल फ्यूचर प्रॉफिट। तो अपने बैलेंस शीट, अपने P&L, अपने ट्रेडिंग, मतलब इन शॉर्ट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी ऐसा अमाउंट क्रेडिट मत कर देना जो आप सिर्फ अंदाजा लगा रहे हो कि आ सकता है, राइट? ओके, ऑन दिस बेसिस क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, क्रिएटिंग अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अ प्रोविजन अगेंस्ट फ्लक्चुएशन इन द प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड द प्रॉफिट इज नॉट क्रेडिटेड अनलेस इट इज रियलाइज्ड। तो वही कहा ना कि आपने क्या, देखो जो मैंने बताया था वही पॉइंट बताया आप, कि आपने क्या कहा कि स्टॉक कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर कौन से कंसेप्ट के तहत आया था? कंजर्वेटिज्म। फिर मैंने क्या कहा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट किसके लिए कहा सर? डाउटफुल लॉस हो सकता है एज पर कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। बार बार इस वर्ड को सुनो मालिक, यस ओके। तो ये क्या करता है आपके, दिस कंसेप्ट अफेक्ट्स द करंट असेट ओनली, अंडरलाइन करना, दिस कंसेप्ट डस रिप्रेजेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन करेक्टली एंड अवॉइड अनवॉन्टेड ऑप्टिमिज्म इन व्हाट प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल फाइनल अकाउंट। यस सर, अनवॉन्टेड ऑप्टिमिज्म नहीं चाहिए, नहीं तो कल जाके हर बंदा करोड़ में अपना बैलेंस शीट दिखाएगा, एक ऐसे बोलेगा हमारा टर्नओवर 50 करोड़, क्या हर साल 50 करोड़ का है? बोले क्या मजाक कर रहे? हाँ, क्योंकि फाइनल अकाउंट में मैंने एस्टिमेटेड प्रॉफिट को दिखाया है। देखो 26,600 सब्सक्राइबर, कैलकुलेटर ले लो, 26,600 सब्सक्राइबर इंटू 10,000, ये तो सब करते हैं। और इस सर बहुत बड़ा अमाउंट हो रहा है, बहुत 25-26-27 करोड़ जा रहा है। क्या मैं ऐसे गलत स्टेटमेंट दिखा के लोगों से पैसा इकट्ठा कर सकता हूं क्या? बैंक को बोलूंगा क्या लोन दो देना, लोन दो, क्योंकि देखो इतने सब्सक्राइबर इतने पैसा आएगा? नहीं मालिक, ध्यान दो, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ना ये बहुत, जैसे मैंने आपको कहा था ना उस दिन भी, आप लोग जब मैथ्स करते हो ना तो प्लस माइनस डिवाइड सब्सट्रैक्शन जो भी है आपका मल्टीप्लीकेशन, इन साइन पे ध्यान देते हो हमेशा और आपका मैथ्स इजी हो जाता है। वैसे कंसेप्ट पे ध्यान दो, सारी बातें सिंपल होगी। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट यहां तक समझा क्या एवरीबॉडी? यस और नो? हाँ सर। द फॉलोइंग आर द कंजर्वेटिज्म अकाउंटिंग प्रैक्टिस अडॉप्टेड बाय इन अकाउंटेंसी। फिक्स असेट आर शोन एट कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। यस, तो अगर मेरा बिल्डिंग है 10,000 का, 1,00,000 का, उसमें से मैं SLM मेथड अगर मैं यूज कर रहा हूं, स्ट्रेट लाइन मेथड, 10,000 मैंने माइनस कर दिया,
एक लाख का बिल्डिंग था, माइनस 10,000 गया तो कितना बचता है, 90,000 बचता है उसका वैल्यू, और 10,000 यहाँ पे माइनस किया और दूसरा इफेक्ट डाला पी एंड एल को। ये क्यों सर? क्योंकि वो बोलते हैं ना कि वेयर एंड टेयर असेट का, असेट 10 साल तक यूजफुल लाइफ है, तो एस्टिमेटेड ये लॉस तो होने वाला ना, मेरे को बाद में खरीदना ही असेट, तो आज मैं उसका अमाउंट क्या करता हूँ, साइड में रख देता हूँ। समझ में आ रहा है क्या? करंट असेट आर शोन एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। करंट असेट जैसे क्लोजिंग स्टॉक, आपका स्टॉक जो था रिसेंटली वो करंट असेट में अगर इन्वॉल्व हो रहा था तो आपने इसलिए वो प्रिंसिपल यूज किया था, क्या कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। समझ रहा है क्या? देखो मैं आज आपको कुछ नई बात, अकाउंट मतलब ये नहीं है, आप तक आप सोच रहे हो सर एनआर मस्त हमारा सेकंड चैप्टर घेन ही पोस्टिंग इथ करा है इतना आल तो इथ टाका, ऐसे नहीं। और फिर अगर आपने ऐसे पढ़ा कि इथल इथ जाइल इथल तिथ जाइल, तो फिर बाद में अगर आप किसी फर्म को नॉलेज नहीं दे पाए और उसने आपको जॉब पे नहीं रखा तो उनको गाली मत देना मालिक। मैं तो कहता हूं ना, रैदर दैन डिग्री, रैदर दैन वो पेपर का टुकड़ा, आपका नॉलेज बहुत मायने रखता है। इनिशियली तो आप उस पेपर के टुकड़े से जॉब पे लग जाओगे लेकिन इंक्रीमेंट नहीं होगा, और हो सकता है निकाल दिए जाओ, लेकिन नॉलेज रहेगा ना तो थोड़ी तकलीफ होगी। लेकिन एक बार आपको बंदे को समझा यार क्या क्या सही नॉलेज रखता है, इसको हर चीज पता है कि क्यों हो रहा है और क्यों का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है मालिक। ओके नाउ क्लोजिंग स्टॉक वगैरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो जाता है उसके चार्जिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन वगैरह यही बात दी है, अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल असेट एंड सो ऑन। सो वही था बेसिकली मोटे मोटे तौर पे कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट आपको समझी। खुशी मत मनाना क्या देख के, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट देख के। आपको सीरियस होकर लॉसेस को बुक जरूर करना है, ये याद रखो, इन दो इमेज को याद रखने का। एंटिसिपेटेड प्रॉफिट मिरेकल नाचिकानी, थोड़ा रुको मोटा भाई की तरह देखो भाई, थोड़ा सीरियस रहो, लॉसेस को पहले बुक कर दो प्रॉफिट को नहीं। कौन सा कंसेप्ट कहता है, स्पेलिंग देखो, एवरीबॉडी कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, डन, सबके दिमाग में गया। और जो लाइव जुड़े हुए जो अभी देख रहे, देखो ऐसे भी बाद में बहुत बच्चे देखते हैं, लेकिन एक बार बैठे हो तो आराम से पूरे लेक्चर देख जाओ तो टेंशन नहीं रहेगा। नाउ सर कंसिस्टेंसी कंसेप्ट मतलब क्या, एक नए कंसेप्ट पे आ रहे दोस्तों, दैट इज कंसिस्टेंसी। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, आपको ये वाला इमेज सुन रहे हो क्या, देखो आप बराबर याद आएगा, एक वर्ड पानी, क्या पानी, और ये क्या कहता था, छलांग लगा था। कंसिस्टेंसी देख रहे हो, भाई ने 7-8 दिन जो भी महीने से अक्षय कुमार ने बोला नहाने का नहीं नहाया, नहीं एकदम कंसिस्टेंस रहा, जैसे बोला वैसे ही किया। समझ में आ रहा है? तो कंसिस्टेंसी क्यों मैटर करती है आपको बता दूं, तीन तरह के कंसिस्टेंसी होगा जो आपको नहीं पता। एक वर्टिकल कंसिस्टेंसी, न्यू वर्ड है, एक हॉरिजॉन्टल कंसिस्टेंसी और एक है डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। ये तीन वर्ड नए आने वाले एफवाई बीकॉम में आपके लिए। सर कंसिस्टेंसी का मतलब तो पहले समझा दो मालिक, समझाता हूं, ध्यान दो। आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो ना, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बड़े बड़े कंपनी के हम लोग पब्लिश भी करते हैं, और जो आम जनता तुम्हारे कंपनी में इन्वेस्ट करती है वो उनका डिसीजन उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के होता है। और मालिक ध्यान दो, आप लोग, मैं वही ना आपको बोल रहा हूं जो अपने मोबाइल स्क्रीन के उस साइड बैठा है या कुछ लैपटॉप के, इंडिविजुअल बात कर रहा हूं आपसे, भले मैं आपका नाम नहीं जानता, यस आप ही, आप लोगों को यह नहीं लगता कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उस कंपनी की आवाज हो, या आप जब अकाउंटिंग करते हो आपके अकाउंटिंग पे हजारों करोड़ लोगों के इन्वेस्टमेंट के डिसीजन डिपेंड करते हैं, तो आपका बेसिक स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके साइंस वाले फ्रेंड को यह नहीं पता कि ये कंपनी का क्या, उसको पहले साल 10,000 दिख रहा, दूसरे साल 20,000 प्रॉफिट दिख रहा, लेकिन ये ना कंसिस्टेंसी नहीं होने की वजह से हुआ। सर एग्जांपल दो ना। अच्छा तुमको एक बात पता है, डिप्रिसिएशन के दो मेथड तो पता ही रहेंगे, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक होता है WDV मेथड। अच्छा सर क्या होता है ये देखो, यहां पे मैं आपको बताऊं, स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या है, ध्यान से सुनना मालिक। इनिशियली 1 लाख का वैल्यू है और मैं फर्स्ट ईयर 10% से डिप्रिसिएशन निकालता हूं, तो कितना डिप्रिसिएशन आएगा, 10,000। 1 लाख पे 10% से 10,000 डिप्रिसिएशन आ गया। नेक्स्ट ईयर का वैल्यू कितना बचेगा, 90,000। और उसमें से SLM ने तो एक बार एकदम सिंपल मेथड, बचपन में सबसे इजी तो यही लग रहेगा, एक वेड अपन अमाउंट काटून टाकन 30 माइनस करत रहा, तो अगले साल भी 10,000 ही माइनस करोगे तो आपका वैल्यू कितना बच गया, 80,000। एनीवेज दोनों साल क्या सेम डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ, हाँ, लेकिन मैं सडनली पॉलिसी चेंज कर देता हूं, कंसिस्टेंसी नहीं रखता, अगले साल में WDV पे शिफ्ट हो गया, रिटर्न डाउन वैल्यू पे। पहले 1 लाख पे 10% 10,000 आया,
तो इसका बुक वैल्यू हो गया 90,000। नेक्स्ट WDV के हिसाब से वापस आप डिप्रिसिएशन 10% किस पे चार्ज करोगे इस 90,000 पे, तो अब कितना आएगा 9,000। तो मालिक जो होशियार बच्चा रहेगा वो मुझे बताएगा, सेकेंड ईयर के कंपेरिजन करो, SLM से 10,000 डिप्री लगने वाला था, SLM से 10,000 डिप्रिसिएशन लगने वाला था, WDV से 9,000 डिप्रिसिएशन लगा, मतलब आपका खर्चा 1,000 से कम हुआ ना, तो आपका प्रॉफिट 1,000 से बढ़ जाएगा क्या? जो होशियार बच्चे रहेंगे समझने वाले हो गए आप। तो मैं क्या मैनिपुलेट कर सकता हूं क्या मेरे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को मेरे मेथडोलॉजी चेंज करके? हाँ सर। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर SLM मेथड फॉलो किया ना तो अगले कुछ साल तक SLM करो जब तक आप एप्रोप्रिएट रीजन नहीं देते हमें। तीन रीजन है CA फाउंडेशन में दिया हुआ है, एक लॉ का है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंप्रूवमेंट का, एंड सो ऑन, ऐसे तीन रीजन है। लेकिन आप अपने मन से क्या पॉलिसी में बदलाव ला सकते हो क्या? एक साल आपने कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लोअर लिया और अगले साल आप बोलोगे कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज हायर, चलेगा क्या? नहीं चलेगा मालिक। आपने कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को हटा दिया, सब पढ़ता हूं, आप कंसिस्टेंसी कंसेप्ट को सब पढ़ोगे और वेट करो जब तक मैं यहां तक नहीं पहुंच जाता। कहां तक नहीं पहुंच जाता? टाइप्स ऑफ कंसिस्टेंसी, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा मालिक। यस, पे अटेंशन एवरीबॉडी। दो ही कंसेप्ट है, इसके बाद शायद लेक्चर स्टॉप हो जाए, नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के ए पार्ट को तो कंप्लीट कर देंगे, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। अकाउंटिंग पॉलिसीज, मेथड्स, रूल्स एंड प्रैक्टिस शुड रिमेन अनचेंज फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर, कि एक बार आपने जो पॉलिसी, जो मेथड, जो रूल एक बार ला दिया तो वो ना शुड रिमेन अनचेंज, तो चेंज नहीं होना चाहिए साल टू साल, क्योंकि लोगों को दिक्कत हो जाएगी फिर, और आपका आप भी वो चीज गलत मैनिपुलेट करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आगे, देन ओनली द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस कंसर्न कैन बी कंपेयर फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर, इसलिए अगर आप सेम रखोगे तो कंपैरिजन भी इजी होगा। कंसिस्टेंसी हैज टू बी फॉलोड इन पर्टिकुलर इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग प्रोसीजर, दिस कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल एंड ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या, वो BBA के लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन ये सब डिटेल में, ऐसे समझो कि आप जीरो अकाउंट में, सब में डिटेल में बताने वाला हूं। आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होना चाहिए, इतना ही मेरा पर्पस है। क्या है मालिक, देखो कुछ बातें समझते हैं क्या। डिफरेंट बिजनेस हाउसेस फॉलो डिफरेंट पॉलिसीज एंड मेथड, वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टोर्स एंड स्पेयर, फिनिश गुड्स, वेदर एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, विच ओवर इज लोअर और एनी अदर मैटर। तो हो सकता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन ने एक मेथड सिलेक्ट किया कि हम लोग ये सारी बातें कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लोअर पे सिलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लोअर। तो आपको ध्यान रखना है, उसी मेथड को आपने फॉलो करना है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। नाउ कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग मेथड। एक मेथड सिलेक्ट कर लिया ना कि स्ट्रेट लाइन, तो अगले कुछ साल तक उस पर स्टिक रहो, बार बार चेंज करने का नहीं, क्योंकि उससे हो सकता है रिजल्ट बदल जाए। देखो प्रॉफिट पे फर्क पड़ सकता है, कभी आपका खर्चा 10 दिख रहा है, कभी 9 दिख रहा है अगर मैंने मेथड चेंज किया तो। और अब मुद्दा आता है सर, सीधा फाइनल पॉइंट पे आता हूं मैं आपको समझाने के लिए। सर वर्टिकल कंसिस्टेंसी, हॉरिजॉन्टल कंसिस्टेंसी और डायमेंशनल कंसिस्टेंसी मतलब क्या, एकदम सिंपल तरीके से बताता हूं। जो गलती आप कभी भी नहीं कर सकते वो, क्या मैं मेरे बैलेंस शीट में असेट साइड को बिल्डिंग पे 15% डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं और मैं मेरे बैलेंस शीट के P&L में वो अमाउंट ऐसे लिख रहा हूं कि 10% से चार्ज हुआ, तो क्या मैं डिफर कर सकता हूं क्या? एक ही स्टेटमेंट में अलग अलग परसेंटेज लगा सकता हूं क्या एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? आंसर इज नो। तो जो मैं फॉलो कर रहा हूं थ्रू आउट, मेरे को सेम चीजें, सेम प्रोसीजर को फॉलो करना होता है, वर्टिकल कंसिस्टेंसी। पे अटेंशन, कंसिस्टेंसी इन इंटर रिलेटेड स्टेटमेंट, अंडरलाइन इंटर रिलेटेड स्टेटमेंट, इफ 15% डिप्रिसिएशन इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द सेम परसेंटेज शुड बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑल्सो। इतना फालतू चीज आज तक मैंने पढ़ाया नहीं रहेगा ना, तुमने सुना रहेगा, ये तो फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा भी समझ जाएगा किस, और क्योंकि आपको नॉलेज है थोड़ा बहुत कि सर जो P&L में परसेंटेज है वही बैलेंस शीट में चाहिए, दैट इज अ वर्टिकल कंसिस्टेंसी, दैट्स ऑल, खत्म मालिक। What is horizontal consistency? इंटरव्यू में पूछा जाएगा, कंसिस्टेंसी तो सबको पता है, कुछ नई बात समझ रही क्या? वो बोलेगा वर्टिकल कंसिस्टेंसी, बोलेगा साला वर्टिकल कंसिस्टेंसी क्या होता? अब पता है ना, इंटर रिलेटेड स्टेटमेंट मालिक, एग्जाम्पल दे देना सर, 15% P&L, 15% बैलेंस शीट, दैट्स अ इंटरनल कंसिस्टेंसी मालिक, सॉरी वर्टिकल कंसिस्टेंसी, बात खत्म, जय हिंद जय भारत सर, इंटरव्यू पास करा दो, समझ में रहा है? दूसरा हॉरिजॉन्टल कंसिस्टेंसी, दिस हेल्प comparison of result from one year to another in the same organization. In the same organization, there should be a consistency in final account from one year to another year.
कि सर अभी अगर मैंने SLM मेथड को फॉलो किया है तो अगले साल भी मेरी सेम ऑर्गेनाइजेशन SLM मेथड को ही फॉलो कर रही है, उसके नेक्स्ट ईयर भी मेरी सेम ऑर्गेनाइजेशन SLM मेथड को ही फॉलो कर रही है, तो हमारा कंपैरिजन करना आसान हो जाता है। समझ में आ रहा है कि जब मैं स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट की बात करता हूं, बुक की बात करता हूं, तो वर्टिकल कंसिस्टेंसी होती है, लेकिन जब मैं ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसी और मेथड्स की बात करता हूं तो कौन सा कंसिस्टेंसी? हॉरिजॉन्टल कंसिस्टेंसी। आज तक शायद ही आपको किसी ने टाइप्स ऑफ कंसिस्टेंसीज बता रहेंगे दोस्तों, और FY में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि आपको समझ रहा है क्या? इंटर रिलेटेड स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं वर्टिकल कंसिस्टेंसी, ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल कंसिस्टेंसी। और मालिक बहुत सारे फर्म मिलके ना एक बनता है हमारा क्या इंडस्ट्री। दिस हेल्प टू कंपैरिजन ऑफ व्हाट रिजल्ट ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन विद अनदर ऑर्गेनाइजेशन इन द सेम इंडस्ट्री। दिस रेफर टू यूनिफॉर्म अकाउंटिंग अकाउंटिंग इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन इन द सेम टाइप ऑफ इंडस्ट्री। जैसे कि मैं अगर बात करूँ न्यूज़पेपर्स की या न्यूज चैनल्स की, IBN लोकमत, TV9, ABP माजा, सोन, एक इंडस्ट्री, उन्होंने अगर एक मेथड अकाउंटिंग का फॉलो किया तो सबने अगर एक मेथड फॉलो करेंगे तो उनको ना इंटर ऑर्गेनाइजेशन का कंपेरिजन आसान होगा। तो जब ऑर्गेनाइजेशन सेम मेथड फॉलो करता है उसे डायमेंशनल कंसिस्टेंसी कहते हैं। आज क्लासेस की बात करूं तो एक ऐसी है, दूसरा XYZ का, तीसरा कॉमर्स का क्लास, अगर वो सेम मेथडोलॉजी फॉलो कर रहा है, मैं फर्म की बात कर रहा हूं अलग अलग, तो कौन सा कंसिस्टेंसी कहेंगे? डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। क्या मालिक टाइप्स ऑफ कंसिस्टेंसी में वर्टिकल कंसिस्टेंसी समझा, सिंपल था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और P&L बैलेंस शीट सेम परसेंटेज, डन, खत्म। हॉरिजॉन्टल कंसिस्टेंसी सेम ऑर्गेनाइजेशन, सेम, आज SLM है, कल भी SLM है, परसों भी SLM है, दैट्स इट्स हॉरिजॉन्टल। उसके बाद फॉर्म टू फॉर्म, अलग अलग फॉर्म सब अगर सेम कर रहे तो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, दैट्स ऑल। दो कंसेप्ट आज आपने खत्म किए, कौन से दोस्तों? एक कंसिस्टेंसी और सबसे इंपॉर्टेंट व्हाट? कंजर्वेटिज्म। सबसे इंपॉर्टेंट क्या? कंजर्वेटिज्म। और ये याद रखना, खुश नहीं होने का इनकम, बहुत सारे बच्चे स्टार्टअप, अरे आपल्याला बिजनेस चालू करायचा आहे, बिजनेस चालू करने से पहले ना अपने आधे से ज़्यादा बिजनेस क्यों फेल होते हैं पता है? लोगों को लगता है हर बिजनेस चालू करने के बाद बंदा अंबानी बन जाएगा, है ना? वो चालू तो करते बोलते हैं, अरे देख भाई आज बिजनेस चालू करूँगा, बोले हाँ अगले साल तेरे पास ऑडी रहेंगे, अरे उसके अगले साल तेरा खुद का विला रहेगा, माँ कसम स्विमिंग पूल, एकदम मज्जा ने लाइफ, नो टेंशन, एंटीसिपेटेड इनकम। क्या बुक कर रहे हो? एंटीसिपेटेड इनकम। मालिक पॉजिटिव रहना अच्छी बात है, ऑप्टिमिस्टिक रहना अच्छी बात है, लेकिन आप बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हो, क्या अच्छी बात है क्या? नहीं सर। तो बिजनेसमैन बनना है तो आपको बहुत सारी चीजों को सोच समझ के चलना होगा मालिक, ठीक है? तो दोस्तों बहुत सारी बातें बताई, ज्यादा लंबा नहीं खींचते लेक्चर को, यही तक रखते हैं और यही पे रुकते हैं, कल के लेक्चर में और इंटरेस्टिंग बात करेंगे। आप यहां तक जुड़े रहे, थैंक यू सो मच, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के अकाउंट के कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, अपना मोटो है, राइट? और उनको ये फिलाना चाहिए यार समझ के पढ़ाना तो मजा ही अलग है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो और दुआ में याद रखो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।